भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी, जो कई तरह की कला के लिए भी जानी और पहचानी जाती है। काशी को हस्तशिल्प का भी गढ़ माना जाता है। यहाँ एक खास किस्म की कलाकारी भी है जिसका इतिहास सदियों पुराना है, जिसे आप गुलाबी मीनाकारी के नाम से जानते हैं, जो पिछले कुछ दशक से दम तोड़ रही थी। लेकिन इस कला को वाराणसी में जीवंत करने के लिए आज भी संघर्षरत हैं रमेश कुमार विश्वकर्मा और उनका परिवार। तो आइए जानते हैं गुलाबी मीनाकारी किसे कहते हैं। इसका इतिहास तो लगभग 300-500 वर्ष का है, इससे भी अधिक हो सकता है। और मीनाकारी एक अपने आप में अद्भुत आर्ट है, जो किसी समय पे राजघरानों में ज्वेलरी पे ये काम शुरू हुआ। और ज्वेलरी का काम जिस समय वो राजघराना में काम हो रहा था, वो रत्नों पे काम हो रहा था, उस समय ये पिंक पेंटिंग और मीनाकारी का शुरुआत हुआ वहीं से। क्योंकि जब कोई भी अच्छे रत्न आगे की तरफ फ्रंट की तरफ हो जाते थे, तो पीछे बैक साइड में कुछ भी नहीं होता था, जिसके कारण से वो पीछे बहुत खाली सा सूनापन लगता था। तो उस समय से ही मीनाकारी अपने आप में प्रचलन में आई कि इसके पीछे आखिर क्या हो सकता है। तो इसका सब्स्टिट्यूट मीना ही था, कि जो स्टोन का ही कलर, स्टोन का लुक देता है। तो वहीं से मीनाकारी शुरू हुई। और मीनाकारी में विभिन्न प्रकार के कलर रंगों का प्रयोग किया गया, जिससे आकर्षण इसका काफ़ी खूबसूरत हुआ। लेकिन फिर कुछ समय के बाद चलते चलते ये हुआ कि नहीं भाई, इसमें कुछ और भी अच्छा किया जा सकता है, कुछ फ्लावर दो। तो फ्लावर के नाम पर फिर हम लोगों के पास पिंक पेंटिंग, बनारस की जो एकदम खास महत्वपूर्ण यही गुलाबी पिंक पेंटिंग है, जो हम लोगों ने फिर से यहाँ से शुरू किया। ये हमारे पूर्वज करते चले हैं और अब हम भी कर रहे हैं इस काम को। जनरेशन भी चेंज हुई और समय की डिमांड के हिसाब से भी अब यूजफुल चीज़ें अब बनने लगी, जैसे इयर रिंग हो गए, झुमके हो गए जो अब यूजफुल हैं, बैंगल्स हो गए और सजावटी सामान। तो इनकी समय के साथ डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है और एक न्यू चीज़ आया है मार्केट में। ये गुलाबी एक पेंटिंग है, ये सोने के भस्म से बनती है। तो इसी पेंटिंग की वजह से इसको गुलाबी मीनाकारी, जो कि ये बनारस की ही ईजाद की हुई चीज़ है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए इस हुनर के कलाकारों को साथ मिला सरकार का ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जिसने गुलाबी मीनाकारी की मांग और भी बढ़ा दी है। अब गुलाबी मीनाकारी की खूबसूरती से पूरी दुनिया अनजान नहीं है। वाराणसी की सुप्रसिद्ध गुलाबी मीनाकारी की बात करें तो वैसे तो पहले ही विश्व प्रसिद्ध थी, और पहले राजा महाराजाओं का जो पैट्रोनेज मिलता रहा उससे पूरे देश विदेश में प्रख्यात भी हुई। बेसिकली थोड़ा लग्जरी आइटम माना जाता था, इसलिए थोड़ा इसका जो प्रसिद्धि थी वो हाई एंड कैटेगरी में हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे आगमन के बाद से, जो हस्तशिल्प के जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी तरह इनका प्रमोशन जब से होना शुरू हुआ, तब से इनके दिन और भी अच्छे होने लगे। कोविड के बाद विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जताई थी कि हमारे जो मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हमारी फैक्ट्री में बने हों, चाहे हस्तशिल्पियों के बनाए गए हों, उनका प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और कोविड के बाद की आप जितनी भी यात्राएं माननीय प्रधानमंत्री जी की याद करेंगे, उनमें सभी देश विदेश में जो गिफ्ट दिए जाते हैं, जो बड़े राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को, राष्ट्राध्यक्षों को जो गिफ्ट दिए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं गुलाबी मीनाकारी का स्थान हमेशा ही रहा है। और जैसे ही वो स्थान रहा है, उसके हिसाब से उसकी पॉपुलैरिटी और उसका जो प्रचार प्रसार है वो भी हुआ है। केवल गिफ्ट देने के साथ साथ उसका देश में प्रचार होना भी एक बड़ा एक कार्य होता है, वो भी साथ साथ किया गया। तो गुलाबी मीनाकारी का अब आइटम इस प्रकार से प्रचारित किया गया कि घरेलू भी जो चीज़ें हमारी होती हैं वो भी उस तरह की बन सकें। पहले तो बड़ी कलाकृतियां ही होती थी या जो मूर्तियां होती थी वो होती थी, पर अब देखा जाए तो पार्टी के सिंबल्स हैं, जो हमारे हैंडकफ्स हैं, बटन्स हैं, या विभिन्न यूटिलिटी आइटम हैं, लेडीज़ के जो बालों में लगाने की क्लिप्स होती हैं वो आइटम हैं, झुमके हैं, या प्रतिदिन जो सौंदर्य सामग्री में प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के आभूषण हैं। तो उस घरेलू कैटेगरी को भी हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्पी हैं उन्होंने ईजाद किया, उसको पॉपुलर बनाया। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बूस्ट मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ODOP योजना शुरू की गई, उसमें सिल्क वीविंग के साथ साथ हमारी गुलाबी मीनाकारी को भी अब हम लोग बाकी जो तीन प्रोडक्ट हमको लेने हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनमें जोड़ रहे हैं।
उनकी प्रदर्शनियों में उनको स्थान मिलता है, जो व्यापार मेले बड़े बड़े होते हैं नेशनल इंटरनेशनल या स्टेट लेवल के उनमें उनको स्थान मिलना शुरू हो गया है। तो कुल मिला के बहुत बड़ा अच्छा प्रमोशन तो हुआ ही है, लेकिन हस्तशिल्पियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो पहले लोग जुड़ते नहीं थे, परिवार कम होते जा रहे थे, लोगों के घरेलू सदस्य इस पेशे से जुड़े हुए कम होते जा रहे थे, अब वो रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला है और पिछले 2-3 साल में इस पेशे से जुड़े हुए परिवारों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या बढ़नी शुरू हुई है। आने वाले वक्त में काशी की ये अद्भुत कलाकारी गुमनामियों के अंधेरे में न खो जाए, इसके लिए हुनरमंद परिवारों को धरोहर की तरह संजोए रखना समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। आईनेक्स लाइव के लिए वाराणसी से अंचल अग्रवाल की रिपोर्ट।